दोस्तों इस बार वीडियो ले गया हूँ भाई इंडिया के रिगार्डिंग नीरज चोपड़ा। मैं कल सोच रहा था बनाने के लिए बट नहीं बना पाया भाई। क्या मैच हुआ है, रात को 12:30 बज गए थे भाई, सोना था, लग रहा था कि भाई सो जाएं बट नहीं, नीरज चोपड़ा जी का मैच देखना था, जेवलियन थ्रो फिनाले देखना था और ओलंपिक्स देखना था हमें भाई, सब सारी चीज़ें देखनी थी। काफ़ी मैचेस हो रहे थे और लास्ट में जब मैच आया जेवलियन थ्रो फाइनल का, सारे भारतीय खिलाड़ी अपने भाई भारतीय फैंस भारतीय समर्थक सारे टीवी के आगे लग गए और फिलहाल हम भी लग गए थे भाई। देखा कि नीरज चोपड़ा, लग रहा था पिछली बार गोल्ड मेडल जीता, इस बार भी जीतेंगे बट इस बार गोल्ड मेडल नहीं सिल्वर जीते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, सिल्वर जीते हैं, बैक टू बैक मेडल जीते हैं। फिलहाल दोस्तों इसी रिगार्डिंग है वीडियो की, क्या स्टैट्स है, क्या एनालिसिस है, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं, अभी वो डिटेल में करेंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिए ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहें। पहले देख लेते हैं दोस्तों कौन सबसे ऊपर आया कौन सबसे नीचे आया। शुरुआत कर सकते हैं क्वालिफाइंग में, क्वालिफाइंग में नीरज चोपड़ा थे भाई, एंडरसन पीटर्स थे, जूलियन वेबर थे, आर्शन नदीम थे, जूलियस यागो थे, द सिल्वा थे, जकूब थे, टोनी थे, एड्रियन थे, ओलिवर थे, कैशोरन थे, लस्सी थे। देखा जाए 12 प्लेयर्स क्वालिफाई होंगे, 84 मीटर्स का मार्क तय करना है तो क्वालिफाई होने के लिए, अगर नहीं किया तो टॉप 12 देखे जाएंगे और बढ़िया प्रदर्शन रहा। अब जब फाइनल हुआ 8 अगस्त को, तो 8 अगस्त में शुरुआत नीरज चोपड़ा की अच्छी नहीं रही, पहला फॉल हुआ पाकिस्तान से और भी शुरुआत अच्छी नहीं रही, फॉल हुआ अर्शद नदीम का, पीटर्स की। तो देखा जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भाई बाजी मारी थी वो मारी थी वॉल्ट ने 86.16, उसके बाद सेकेंड में क्या नदीम ने मारी थ्रो 92.97, नीरज चोपड़ा ने भी बढ़िया मारी 89.45। तो देखा जाए गोल्ड और सिल्वर यही दोनों घोषित हुए और जो ब्रॉन्ज हुए वो हुए टर्न और पैथ एंडरसन पीटरसन, उन्होंने थ्रो मारी थी 88.54, बढ़िया प्रदर्शन रहा। पहले नंबर पे नदीम 92.97, नीरज चोपड़ा एक बार फिर से मेडल लेके आए हैं भारत के लिए, सिल्वर मेडल आए हैं बट 89.45 सीजन बेस्ट रहा उनका, 88.54 का रहा है पीटर्स का। तो देखा जाए तीनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया, पिछली बार भी नदीम थे तब गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने और इस बार गोल्ड मेडल जीता नदीम ने, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और नीरज चोपड़ा ने बोला भी कि भाई इंजर्ड थे वो, अगली बार कोशिश करेंगे कि भाई साहब गोल्ड मेडल दिलवाएं भारत को और भारत का राष्ट्रगान बजे। क्या लगता है दोस्तों अगली बार नदीम के खिलाफ बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे नीरज चोपड़ा या नदीम अपनी मॉस्टर्स कंटिन्यू करेंगे? मेरे हिसाब से भाई नीरज चोपड़ा भी प्रदर्शन बढ़िया करेंगे और वो मुकाबला देंगे, 90+ मीटर मारेंगे। आप जरूर बताना क्या लग रहा है। जय हिंद।